तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहता है, ए ऑब्जेक्ट फॉलो ए कर्व पाथ। कर्व पाथ पे चल रही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जैसे मान लो कोई कार है, ऐसा कुछ, फॉलो द कर्व पाथ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज मे बी रिमेन्स, ये जो वर्ड है मे बी, ठीक है ना, मे कॉन्स्टेंट, कौन सा हो सकता है कॉन्स्टेंट हो? क्या स्पीड कॉन्स्टेंट हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। अगर स्पीड को किसी डायरेक्शन से तो लेना देना है नहीं, डायरेक्शन इनडिपेंडेंट है, डायरेक्शन इनडिपेंडेंट है स्पीड। तो अगर स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो भाई वो किसी भी पाथ पे चले, सर्कल में चले, कर्व पे चले, ऐसे वैसे चले, ठीक है, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है। तो स्पीड तो कांस्टेंट हो सकती है अगर पाथ कर्व है। क्या वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है? देखो, जो वेलोसिटी होती है कर्व पाथ पे, तो उसकी मैग्नीट्यूड अगर 40 से चल रहा है, लेकिन डायरेक्शन कैसे देते हैं बोलो? टेंजेंशियल देते हैं। अगर गाड़ी यहाँ है तो टेंजेंट इधर है, तो वेलोसिटी इधर है। हो सकता है कि गाड़ी यहाँ हो तो टेंजेंट इधर है, तो वेलोसिटी इधर है। हो सकता है कि इनका डायरेक्शन V1 और V2 आपस में मैग्नीट्यूड में बराबर है 40 किलोमीटर पर आवर, पर इनकी डायरेक्शन अलग है ना। इस पॉइंट पे डायरेक्शन इधर आएगा और इस पॉइंट पे डायरेक्शन इधर आएगा। तो वेलोसिटी तो कभी भी कर्व पाथ पे कांस्टेंट नहीं हो सकती। वेलोसिटी केवल कांस्टेंट होती है स्ट्रेट लाइन में, और वो भी सीधे जाता हुआ, मुड़ना नहीं है। तो ये तो कभी सही नहीं हो सकता। कर्व पाथ पे नेवर, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कर्व पाथ पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो। क्या एक्सलेशन कांस्टेंट हो सकता है? देखो, जब कर्व पाथ पे पार्टिकल चल रहा, तो कर्व पे चलने के लिए हर पॉइंट पे सेंटर की तरफ एक फोर्स चाहिए, ठीक ना। हर पॉइंट पे पार्टिकल अगर सर्कल में चल रहा है या किसी भी कर्व पे, तो हर पॉइंट पे सेंट्रिपिटल एक्सलेशन चाहिए। देख रहे हो, इस पॉइंट पे हो सकता है इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, पर एक्सलेशन कांस्टेंट नहीं है ना यार, ठीक है। एक्सलेशन तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदल रहा है, तो एक्सलेशन भी कभी भी कर्व पर, जब वेलोसिटी ही नहीं कांस्टेंट है, तो एक्सलेशन भी कभी भी कर्व पाथ पे कांस्टेंट नहीं हो सकता, ये गलत है। एक्सलेशन तभी कांस्टेंट होता है जब पार्टिकल सीधी लाइन में कांस्टेंट एक्सलेशन से चल रही हो, और वो भी चेंज ना करे अपनी डायरेक्शन। क्या मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेशन कांस्टेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? ठीक है, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो अगर स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो स्पीड कांस्टेंट होती है तो टेंजेंशियल एक्सलेशन कितना होता है बोलो? जीरो है। अगर कोई सर्कल, कोई पार्टिकल है, समझना, कोई पार्टिकल ऐसे कर्व पे चल रहा है, तो इस भाई हर पॉइंट पे, यहाँ पे देख रहे हो, इस हर पॉइंट पे अगर स्पीड कांस्टेंट है, तो सेंटर की तरफ जो एक्सलेशन है उसका जो मैग्नीट्यूड है mv²/r। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो कुल मिला के एक्सलेशन कांस्टेंट है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेशन कांस्टेंट हो सकता है सर्कुलर मोशन में, पर एक्सलेशन कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता। मतलब ए एंड डी ऑप्शन यहाँ पर अपना सही बन जाता है बच्चों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।